हेलो दोस्तों, मैं चंपा बोल रही हूँ। तो फैमिली वर्ल्ड की ओर से आप सबको नमस्कार। आज मैं जो बनाने जा रही हूँ वो है आम की बर्फी। जी दोस्तों, मैंने एक आम ले लिया है। आम को मैं बाद में काटूंगी, पहले मैं गैस पे कढ़ाई रखती हूँ। ठीक है, इसमें मैं इसको जलाऊंगी और इसको इसके एक पाव, ये मैंने एक गिलास दूध डाल दिया है। इसमें एक गिलास, ये एक पाव का 250 ग्राम का गिलास है मेरा, और ये मेरा दूध अब गर्म होगा। मैंने दूध रख दिया है। इधर मैं ये आम को ले लिया है। अब मैं आम को काटूंगी। जो भी आपको आम मिले वो आप ले लेना, जो जिसमें गूदा हो। ये मेरा ये दशहरी आम है, मैंने एक ही लिया है क्योंकि मैंने बर्फी कम बनानी है। अगर आपने ज़्यादा बनानी हो तो आप आम दो भी ले सकते हो। तो मैं अब आम को काट लूंगी, ये इसके छोटे छोटे पीस करूंगी। इसमें मैं चीनी डाल देती हूँ। चीनी मैंने ये 5-6 चम्मच डाली है। आप अपने हिसाब से मीठा डालना, क्योंकि आम भी तो मीठा ही होता है। अब इसको मैं उबलने दूँगी। तो आम में मैं जो मिक्सी वाले छोटे जार में डाल लेती हूँ, ये देखो। अब इसको मैं ग्राइंड करूँगा। तो आम मेरा जो मैंने मिक्सी में पीस लिया है, अब मैं इसमें, दोस्तों अगर तो आपका दूध गाढ़ा है तो आप इसमें कुछ भी ना डालें। और मेरा दूध जो है वो थोड़ा पतला है, इसलिए मैं इसमें जो मिल्क पाउडर है वो 2 चम्मच डाल रही हूँ। इससे दूध जो गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि बर्फी बनानी है ना।
जो है वो गाढ़ा होने लगा है। दोस्तों आम की बर्फी बहुत अच्छी बनती है, आम का मौसम भी है। अगर आपने ज़्यादा बनानी है तो आप आम को ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने तो एक कटोरी नारियल के बुरादे से ही बनानी है, इसलिए मैंने एक आम लिया है। नारियल का बुरादा जो है वो दूध में डाल रही हूँ। ये मैंने एक कटोरी लिया है। आपने जितना भी बनाना हो, एक कटोरी दो कटोरी, अगर दो कटोरी बनाना है तो आप दो आधा किलो दूध ले सकते हैं। मैंने आम को ग्राइंड किया है, उसको भी डाल देते हैं। कलर आम का आया है, इसमें कलर डालने की भी कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही इसमें इलायची पाउडर डालने की ज़रूरत है। कोई भी फ्लेवर इसमें डालने की कोई ज़रूरत नहीं, आम और नारियल का फ्लेवर होता ही है। दो चम्मच घी के डालूंगी जो इसमें बर्फी में शाइनिंग आ जाए। में कोई कलर डालने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई इलायची पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं डालना है। ये अपने आप में नारियल और आम का ही टेस्ट होगा। और अब मेरी जो बर्फी है वो बनके तैयार हो गई। अब मैं गैस को बंद करती हूँ। और दोस्तों अब मेरे पास बर्फी जमाने के लिए ट्रे तो है नहीं, और मैं थाली को ही इस थाली को ऐसे थाली ले ली है, इसमें मैं घी लगा लेती हूँ।
दोस्तों इसको मैं इसमें पलट लेती हूँ। मैं सेट करती हूँ जी, आपने सेट करनी है, जितनी मोटी बनानी है उतनी आप सेट कर सकते हो। मैं इसमें गार्निश कर लेती हूँ बादाम और काजू से, आप जिस चीज़ से करना चाहें कर ले सकते। इसको ऐसे सेट कर देती हूँ। अब इसको एक घंटा लगेगा ठंडा करने के लिए और सेट होने के लिए। ये दोस्तों देखो बर्फी मेरी एक घंटे में कितनी बढ़िया सेट हो गई है। अब मैं इसको काटती हूँ। आप जितने जितने भी आपको चाहिए पीस आप काट सकते हैं। दोस्तों देखो कितना बढ़िया पीस मेरा, ये बर्फी बनकर कितनी बढ़िया निकली है पीस, जो मैं इधर प्लेट में रखती हूँ। और इधर ये देखो ये भी कितना बढ़िया पीस बना है। नहीं पै रहा, ये देखो दोस्तों
इतनी बढ़िया जो मेरी बर्फी बन के तैयार हो गई है। अब आपको अगर ये मेरी बर्फी रेसिपी आए ये पसंद है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ये जो बर्फी है आम की ये आप अपने बच्चों को ज़रूर बनाकर दें। और जब भी आपका मीठा खाने का जी मन हो तो और आप ये बर्फी बनाकर खा सकते हैं, एयर टाइट डब्बे में रख सकते हैं, जब भी मन करे आप एक पीस निकाल कर खा सकते हैं, अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो और अगर मेरी रेसिपी पसंद है तो आप इसको ज़रूर शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।